नाजी साहब हम पहुंचे हैं सूतर मिल के इलाके में, ये मेन बाजार है इनका और यहाँ भी वही निज़ाम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिवरेज का निज़ाम मौजूद नहीं है। क्या नाम है आपका? सैयद नूर हुसैन शाह। नूर साहब है दसो के सिवरेज का निज़ाम नहीं है कहते? सिवरेज का निज़ाम कतई तौर पर रत्ती भी नहीं है। अपनी मदद आप दे तहत तमाम आवाम अपनी नालियाँ गटर साफ कर देने और अपने आप ही पाइप पाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ इतने कोई सहूलत मौजूद नहीं है। नहीं है, जेड़ा पानी खलोता है, सड़क भी टूटी हुई है। हाँ जी, तो किस तरह गुजारा किस तरह करते हो? बस रात दिन साड़ियाँ बच्चियाँ साड़ियाँ धियाँ भैन इस तरह पैदल इस पानी चुनी गुजरदियाँ ने, मोटरसाइकिल गिरते हैं, हादसा होंगे ने, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई बंदा इतने आके किसी किस्म का किसी भी MP MNA की तरफों सानू कोई एड नहीं है, कोई साढ़े नाल रबता किसी की साड़ी कोई गल नहीं। तुम इतों ही रहना दो? नहीं, बाहरों आए तो आप इधर के रहने वाले? जी भाई जाना जी। क्या सूरत हाल है यार जी? ये जो बाजार है ना माशा, इसमें कोई 3 से 4 हजार घर हैं, 350 की दुकान है, 4-5 स्कूल भी इसमें आते हैं। हाँ, ये हम देख रहे हैं कि बच्चियां छोटी स्कूल जी, जी, से ये हमारे मतलब चेयरमैन साहब हैं, उनसे तो मैंने बात की जी है। जी, इनसे हम भी काफी दफा गए हैं लेकिन आपको पता है इनको कोई फंड नहीं मिल रहे। हाँ। तो जो हमारे साहब का MNA साहब थे उनसे भी हमने बात की थी तो उन्होंने भी हमारी कोई हेल्प नहीं की। तो अब जो मौजूदा है वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने फंड को हमें दे नहीं रहे, तो बहुत ही बुरा हाल है। देख ले, गुजरा नहीं यहाँ से जाता। ये आगे भी अपनी मदद आपके तहत हमने अपने काम करवाए हैं जितने भी हुए हैं, तो ना इधर गैस ना बिजली की, बिजली तो फिर भी चलो गुजारा इधर, ना गैस के और सीवरेज तो है ही नहीं, उसके वजह से बड़ा तफन फैल रहा है, मच्छर की तादाद बहुत बढ़ रही है, उसमें लोगों में बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही है, स्मेल इतनी ज्यादा है, यहाँ से गुजरा नहीं जा सकता, गटर यहाँ पे उबल रहे हैं। ये जितने भी ये लोग बच्चे जब यहाँ से गुजरते हैं, ये स्कूल से छुट्टी हुई जिस तरह बच्चे यहाँ से गुजरते हुए जा रहे हैं, तो बच्चे गिरते हैं? बहुत गिरते हैं। मैं इधर जिम्मेदार ताजरा का सदर भी हूँ और ये जो लोग हैं इनका इधर कारोबार बंद हो रहा है, जितने भी दुकाने वाले हैं अक्सर दुकानें खाली हो चुकी हैं, खाली हो गई, लोगों का कारोबार ही नहीं है। अब ये जो दुकान है इनका 15,000 किराया है, इनसे कल किराया वो बंदा लेने गया तो उसने कहा मेरा तो कारोबार नहीं है, मैं तो दुकानें खाली कर रहा हूँ, आगे आपके सामने देख लें दुकानें खाली हो रही है, लोगों का कारोबार बंद हो रहा है। आपने वोट किसको दिया था? तब्दीली को? हाँ, तब्दीली वाला आया नहीं? तब्दीली वो आ तो गई, लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं। आपको ये तब्दीली है सूत्र मिल गए तो अब अफसोस हो रहा है? अफसोस हो रहा है, देख रहे आपके सामने क्या लोग तब्दीली को वोट देकर पछता रहे हैं। किसको वोट दिया था? किसको वोट दिया? तब्दीली को। तब्दीली को वोट दिया था तो तब्दीली आ गई है, ये आई है आपके सामने, ये देखे करोड़ों का बजट आगे कौन लगाएगा? ये तो PTI का नुमाइंदा है यहाँ कोई? ये सब आते जाते हैं यहाँ पे, सब आते जाते हैं, नुमाइंदा नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। स्कूल के यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही है गुजरने में, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे गंदगी और हर चीज की, यहाँ पे आप विजिट कीजिएगा आपको पता चलेगा कितनी और ज्यादा सिचुएशन बढ़ रही है। इस वजह से ये बीमार बच्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है चाचा जी, अगे आओ जरा जी। जना की ना है दादा? तनवीर शाह जी। की करते हो तुसी? मेरी दुकान है, ताजर हो दुकान? हाँ जी। तो दुकान बंद हो गई है? दुकान बंद काम रहे ही नहीं बिल्कुल, उनकी काम नहीं हो रहा, तुम्हारे सामने कोई गाहक आता ही नहीं, उधरों उतरों नहीं जाते रहे, सब खत्म हो गया कारोबार। ऐसा मेन बाजार है दादा जी, इलाके का ऐसे पानी खलोता है, गटर उबल रहे हैं, सड़क है ही नहीं, तो गुजारा किस तरह करते हो? गुजारा ऐसा तुम्हारे सामने दसिया कि लोग परों जाते हैं, इधरों तो लंघते कोई नहीं, नाला सारा तो बंद हो गया, सारा नाला बंद है, इतने गटर सिस्टम होना चाहिए। नून लीग वाले को जी वो PTI को कहते जी तुम वोट दिता नून लीग नीग वोट दिता PTI ने वोट दिता PTI नून लीग जीती नून लीग ने किया बड़े काम करवाए सर सड़क बनवाई नहीं 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 तो हूं टूटी है हूं पानी की वजह तो कदों टूटी है साडा शेख रहीलसगर जो है पल्यों पैसे ला के काम करवा देता है इतने जिथे भी हो रहा है इतने तो पहली बार इतने तो बेचारे मौका ही नहीं मिले है। अच्छा शेख रहीलसगर पल्यों काम करा पल्यों काम मैं तकरीबन 60 साल दरोगे ले रहे उतों का MNA MPA रहे वही तो इस तो पहले जो MNA से वो नहीं काम करा पल्यों वो कभी असं देखे ही नहीं शौकत भट्ट साहब ने कभी देखे ही नहीं और जो सरकारी काम होता है वो नहीं करवाते। अच्छा जी। हाँ जी अपनी जेब से कैसे करवाने बस तो खाने वाले कब से टूटी है सड़क ये अभी तकरीबन ये बारिश जब से शुरू हुई है दो तीन माह हाँ जी पहले ये टूटी थी ये सारी नई बनी है वो वहाँ तक ये देखिए आपको तो ये पुली भी टूटी हुई है सारा गंद बना हुआ था नहीं तो ये यहाँ तो अब पानी खड़ा है गटरों का पानी भी यहाँ आ रहा है। हाँ जी पुली भी टूट गई है गटरों का पानी बाहर आ रहा है तो कौन काम कराएगा यहाँ हम तो कहते हैं ना रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ये चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की चेयरमैन साहब ने तो कुछ नहीं कराया उनको तो पैसे ही नहीं वो है। अभी आए हैं देखो ऐसे बहाने बनाते हैं हम क्या कर सकते हैं हमने तो रिक्वेस्ट ही करनी है ना जाके
10 साल में क्या किया नून लीग ने? 10 साल में तो फिर भी बेहतर था। तब ये सड़क ठीक? हाँ जी सही थी पहले। टूटी क्यों? पहले बिल्कुल ठीक ठीक थी, या नारा भी उन्होंने बनवाया था। अच्छा इधर ही रहते हो? जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? सफदर अली। सफदर क्या काम करते हो? सर मोबाइलों का, यहाँ पर दुकान पे। जी सर। तो ये कब से टूटी हुई है सड़क? सर ये काफी, जब से हमें यहाँ पर 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ऐसे ही है। 2 साल से टूटी हुई? जी सर। जो भी आता है अपने बारे में सोच रहा है, कोई गरीबों के बारे में, कोई ये कोई भी सोच नहीं रहा है कि जब बारिश आती है तो गटरों का पानी बाहर निकला हुआ, जितनी बदबू है यहाँ पे, यहाँ से तो गुजरा नहीं जा सकता, तो गांव भी नहीं आता होगा। कोई नहीं, ऐसे कोई किसने आना है? 2 साल में सड़क किसी बनाने के लिए कोई आया नहीं? नहीं सर कोई भी नहीं ऐसे। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। अब सब यही रहते हैं आप इसी इलाके में? ये कब से टूटी हुई है सड़क? ये 12-13 साल हो गए ऐसे ही है। 12-13 साल से ऐसे ही है? ऐसे ही है। काम सेवरेज का निजाम नहीं है यहाँ? इधर ठेके पे माफिया चल रहा सारा। अच्छा। हाँ जी पॉलिटिक्स हो रही है, माफिया चल रहा है। हाँ जी इधर पूछने वाला कोई नहीं। ये जो पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है, गटरों का पानी बाहर निकल रहा है क्योंकि सीवरेज का निजाम बंद हो गया है आपका। वो सीवरेज वाले आते हैं, गवर्नमेंट वाले आ गए थे, ठेके हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। पॉलिटिक्स हो रही है, काम नहीं किया यहाँ, समझ नहीं आ रही। नहीं आ रही? तो ये जो छोटे छोटे बच्चे आपके जा रहे हैं, ये तो बीमार हो जाते होंगे? बस इसी तरह गुजारा कर रहे हैं भाई, जमीनें ली हुई हैं, पैसा लगाया हुआ है। नाजरीन ये आपने सूरत हाल आपने सुनी है लोगों की। मैं चाहूँगा कि आपको एक दफ़ा ये मंजर दिखाऊं कि यहाँ पे ये जो लोग हैं इलाके के, वो लोग कह रहे हैं कि सदियाँ बीत चुकी हैं, साल कई साल हो गए। एक आदमी कह रहे 10 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया, कोई कह रहा 2-2.5 साल से इलाके ज़्यादा अर्सा हो गया, ये सड़क यहाँ से जुटी हुई है, सर्विस के निज़ाम यहाँ पे है नहीं, गटर यहाँ पे उबल रहे हैं, यहाँ पे लोग बीमार हो रहे हैं, छोटे मासूम बच्चे जो मोटरसाइकिलों पे गुजरे। हमने आके देखा कि यहाँ से चंद कदम फासले पर स्कूल बनाया गया है, वहाँ से जब बच्चे अपने घरों को वापस लौटते तो वो इसी जगह से होकर गुजरते हैं, उनके कपड़े भी गंदे होते हैं, बच्चे यहाँ पे गिरते भी हैं। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जमात जो है वो हुक्मरान जमात है पंजाब में भी और वफाक में भी, बलजाती निज़ाम एक तरफ फ्रीज कर दिया गया। तरीके इंसाफ ने ये कहा था कि हम बलजाती निज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिलफौर अपना बलजाती निज़ाम नाफज कर दिया जाएगा। अभी तक बलजाती निज़ाम के बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं है कि उसके इंतखाबात कब होने हैं, कब लोग अवामी नुमाइंदे यहाँ पे मुंतखब होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये नारा लगाया था कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो वो अवाम को उनकी दहलीज पर जाके फंड देंगे, यानी बलजाती नुमाइंदों को मजबूत किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एजेंडा नज़र नहीं आ रहा। हुक्मरानों को चाहिए कि ज़रा होश के नाखून लें, यहाँ पर मासूम बच्चे गिर रहे हैं। हम हर इलाके में क्या बच्चों के गिरने का इंतज़ार करेंगे, कोई अनहोनी हादसात का इंतज़ार करेंगे? हम इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे हमारे मासूम फूल मासूम बच्चे वो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएँ, वो यहाँ पे गिर जाएँ और वो अपनी माओ से जुदा हो जाएँ, अपने वालदैन से जुदा हो जाएँ, तब हम क्या होश के नाखून लेंगे? इससे कबल बहुत देर हो जाए, हुक्मरानों को चाहिए कि अभी होश के नाखून लें और यहाँ पे और जिस इलाके में लाहौर शहर की, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ये अर्बन एरिया है, ये रूरल एरिया नहीं है, जहाँ पर भी सड़कें मौजूद नहीं है, जहाँ पर सर्विस निज़ाम मौजूद नहीं है, उस पर फिल फॉर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये वो फंड है जिसकी सबसे ज़्यादा जहाँ पर लगने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी बसता है, ये आम शहरी है, ये पाकिस्तानी है, ये लाहौर का शहरी है, ये पंजाब का शहरी है, इसका हक है, क्योंकि इसने वोट दिया आपके उस नारे पे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाए जाएंगे। तो दो नहीं एक पाकिस्तान तब बनेगा जब यहाँ पे भी सड़कें बनाई जाएंगी, जब यहाँ पे भी सीवरेज का निज़ाम बनाया जाएगा, यहाँ पे भी लोगों को रहने के लिए इस तरीके से सहूलियात मुहैया की जाएंगी। आज के प्रोग्राम में नमाज़ से सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह के बाद।